स्फटिक के या क्रिस्टल के कछुए के बारे में शायद आप सभी जानते होंगे और अधिकांश लोग जानते भी हैं, क्योंकि अक्सर हमने देखा है दुकानों में, ऑफिसों में, स्कूलों के दफ्तरों में, यहाँ तक कि सरकारी ऑफिसों में भी एक क्रिस्टल का कछुआ पानी में रखा जाता है। शायद आप लोग भी कभी ना कभी खरीद कर लेकर आए होंगे, और अगर नहीं लेकर आए होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% इसको लेकर आएंगे, ये हम आपसे गारंटी देते हैं। देखिए, इसकी महानता के बारे में तो सभी जानते हैं, फिर भी हम आपको इसके बारे में आज बताने जा रहे हैं, इसके लाभ बताने जा रहे हैं, और एक्चुअल में दुनिया नकली क्रिस्टल के कछुओं को रखकर लाभ के बजाय नुकसान पा रही है, उसके बारे में भी आपको आज बताएंगे। आपने जैसा मैंने बताया देखा ही होगा, आसानी से आपको ये चीज़ मार्केट में मिल जाती है, कांच का बना हुआ क्रिस्टल का, जिसको चाइनीज़ क्रिस्टल कहते हैं, कांच की कटोरी रहती है और उसमें स्फटिक का या सॉरी कांच का ही कछुआ होता है, जिसके माध्यम से कहा जाता है कि इसको घर में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा आती है, सकारात्मक ऊर्जा रहती है और रोग दोष से मुक्त पूरा परिवार या ऑफिस का पूरा वातावरण हो जाता है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, परंतु जो अक्सर हम देखते हैं वो कांच के मिलने वाले चाइनीज क्रिस्टल है, उसका कछुआ हम स्थापित कर रहे हैं, उससे लाभ नहीं होता है। लाभ इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो जो चीज़ शास्त्रों अनुसार जो वर्णित किया गया है वो क्रिस्टल के लिए बनाया गया, स्फटिक के लिए कहा गया है, और वह सफ़ेद बिल्लोर या इस रत्न के लिए कहा गया है कि अगर इसको घर में जल में रखा जाएगा तो यह आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा, इससे धन की कमी दूर होगी, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्वरूप है और भगवान विष्णु का वाहन होने की वजह से यह आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देगा। तो स्फटिक में जो बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में ऊर्जा होती है, इसको अगर घर में स्थापित करेंगे और परमानेंट इसको जल में रखेंगे तो इसके प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके घर में होगा, यहाँ तक कि आपके घर में अगर किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो वो भी खत्म हो जाएगा। इस स्फटिक के कछुए को अगर घर में रखते हैं तो कभी भी धन की कमी नहीं महसूस होगी, कभी नहीं होगी, चाहे कितना भी समस्या आ जाए। पैसा सभी कमाते हैं, ऐसा नहीं पैसा कोई नहीं, हर कोई व्यक्ति कमाता है, छोटा से छोटा वह व्यक्ति भी कमाता है जो कि रोज मजदूरी करता है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, बहुत ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति भी बहुत सी बार गरीब रहता है, उसको धन की बहुत समस्या होती है, उसे तरह तरह के लोन लेने पड़ते हैं, और कम कमाने वाला अपना आसानी से अपना जीवन को अच्छा आनंद लेता है और पैसा भी बचा लेता है। तो यह क्या होता है, ये भाग्य होता है, और यह कछुआ उसी भाग्य को बढ़ाता है, क्योंकि पैसा कमाना बड़ी चीज़ नहीं है, पैसे को रखना बचाना बहुत बड़ी चीज़ है। तो यह कछुआ पैसे को इधर उधर जो वेस्टेज होता है उस खर्च को बचाता है, पैसा आता है तो जाता धीरे धीरे है, उस फ्लो को कम कर देता है, बहाव को कम कर देता है। तो आपके घर में जब पैसा होगा सुख शांति होगी। जिस दंपत्ति को घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, प्रभाव होने की वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, प्रेम नहीं होता है, जिस घर में कोलाहल होगा वो घर तो सुख समृद्धि से कभी होगा ही नहीं, वो तो हमेशा दुखी रहेंगे। अगर उस घर में आप रह रहे हैं और वहाँ पर अगर आपने स्फटिक का कछुआ स्थापित कर दिया पानी में रख कर, मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ लड़ाई बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन कभी भी मेंटल लड़ाई होने के बाद भी मानसिक परेशानी आपको नहीं होगी, शांति बनी रहेगी। तो यह स्फटिक के कछुए के बहुत सारे बेनिफिट है, तो छोड़िए जो कांच के लेके आए उनको बाहर फेंकिए, चाइनीज क्रिस्टल है उसका उपयोग करके हम हमारे स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचा रहे हैं। हम सोचते हैं कि इससे लाभ मिलेगा, लाभ तो मिल ही नहीं रहा है, एक तो हमारी आस्था भी खत्म हो रही है,
और चीज नकली होने की वजह से नुकसान भी हो रहा है, तो उस नुकसान को बचाइए। उस प्लेट में, चाहे कांच की प्लेट हो, उसमें स्फटिक का ओरिजिनल आप ये कछुआ रखिए, और विद इन वन मंथ, एक महीने के अंदर आप देखिए कितने सकारात्मक परिणाम आपको मिलते हैं, मैं गारंटी ले रहा हूं। यस, कोई भी यंत्र माला के लिए गारंटी नहीं लेगा, मैं आपको गारंटी ले रहा हूं, अगर आपको एक महीने के अंदर इससे सकारात्मक परिणाम नहीं मिलते हैं तो मैं इसके 3 गुना पैसा आपको रिफंड कर दूंगा। जरूरी नहीं है हमारे यहां से खरीदो, ये यहीं से खरीदना जरूरी, कहीं से भी खरीद के लाओ, लेकिन ओरिजिनल क्रिस्टल लेकर आइए और घर में एक बार स्थापित करके देखिए। जिन भी साधकों ने स्फटिक कहिया कछुआ अपने घर में रखा है, ऑफिस में रखा है, दुकान में रखा है, उनको बहुत सारे बेनिफिट हुए हैं, आपको भी होंगे, आशा हम यही करते हैं। इस कछुए को स्थापित करने के बाद लाभ जो आपको देखे आपने वो तो मिलेगा ही। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं ओरिजिनल या नकली, तो मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूँ, स्फटिक वाले ये बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, धुंधला हो जरूरी नहीं है, बहुत सारे वीडियो में ये बताया जा रहा है, ये अफवाह है कि धुंधला स्फटिक होता है, बिल्कुल कांच के समान पारदर्शी होता है, धुंधला भी होता है, तो ओरिजिनलिटी जरूरी नहीं है, धुंधला होता भी, अरे ओरिजिनल चीज़ है लेकिन क्वालिटी अच्छी है तो वो तो पारदर्शी होगा। आप कहीं भी किसी भी थोड़ा वैज्ञानिक चीज़ों, मतलब आप रिसर्च को पढ़िए या इस क्रिस्टल के बारे में पढ़िए, बिल्कुल पारदर्शी होता है, कांच के समान ही होता है, परंतु बहुत ज़्यादा ठंडा होगा कांच की अपेक्षा, वजनदार होगा कांच की अपेक्षा। प्लस सबसे अच्छा इसका गुण है, जिससे ओरिजिनलिटी का हम आसानी से पता लगा सकते हैं, हम आपको इसके साथ में एक स्टोन देते हैं, अगर आप इसको आपस में दोनों को रगड़ेंगे अंधेरे में तो इसमें स्पार्किंग होगा, इससे आप समझ जाइएगा कि ये ओरिजिनल क्रिस्टल है। आप कहीं से भी खरीदें, इन चीज़ों का ध्यान रखें। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत मेहनत से बनाते हैं और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, तो मेरा निवेदन है कि कृपया इसको लाइक अवश्य करें, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हमारे साधक कहते हैं हर समस्या का समाधान प्रवीण मंत्र विज्ञान। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय गुरुदेव।